परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। बिजनेस में डेफिनेटली बिजनेस को रन करने के लिए मल्टीपल असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। असेट्स समझ लो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, टेबल, आपके ऑफिस में लगे हुए अदर इक्विपमेंट, ये सारे आपके बिजनेस के असेट्स ही होते हैं। आप अगर गुड्स परचेज करते हो तो वो गुड्स परचेज जो होता है वो आपका ट्रेडेबल गुड्स होता है, यानी कि आपने परचेज किया और आपने उसको सेल कर दिया। बट ये जो असेट्स होते हैं, आप इसका परचेज करते हैं तो आप इसे रीसेल नहीं करते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल बिजनेस में यूज करते हैं एज अ बिजनेस प्रॉपर्टी की तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी में जीएसटी गुड्स परचेज, जीएसटी असेट परचेज में एंट्री रिकॉर्ड करने में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है वो हम इस एग्जांपल के साथ समझेंगे। मैंने बताया गुड्स की एंट्री जो होती है, अपना गुड्स परचेज किया, स्टॉक में दिख गया, हमारा क्या हो जाता है, वो रीसेल हो जाता है। बट जब परचेज ऑफ फिक्स असेट होता है तो हमारे बैलेंस शीट में एज अ फिक्स असेट के तौर पर उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी के तौर पे हमने एग्जांपल लिख रखा है, फॉलोइंग असेट्स परचेज फ्रॉम विजय सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डेटेड ऑन 1 मई 2020। ठीक है, 1 मई 2020 को हमने असेट्स परचेज किया हुआ, असेट 1 एचपी लैपटॉप ग्रे i3 Core 5 नंबर 31,000 ईच। तो 5 लैपटॉप परचेज किया है 31,000 का, और तोशिबा टेलीविजन परचेज किया है एक क्वांटिटी 58,000 का। टेलीविजन हो सकता है कि आपके डायरेक्टर के केबिन में या फिर एक रिसेप्शन एरिया पे टेलीविजन लगाने के लिए हो सकता है आपने यूज किया रहेगा, तो एक तरह का आपके लिए बिजनेस का असेट ही हो गया। तो ये बिजनेस का असेट्स है, उसका इनवॉइस हमारे पास आया होगा, तो वो इनवॉइस की कॉपी मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ अपने सिस्टम में, लेकिन आप रेफरेंस के तौर पे ये इनवॉइस की कॉपी इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। इस लिंक को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए, इस लिंक को अगर आप यहाँ पे एज अ स्लाइड शो मोड पे अगर ऑन करते हो फ्रॉम करंट स्लाइड, ये पीपीटी फाइल मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा आपका ये यहाँ से लिंक डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और ये आपका जो इनवॉइस कॉपी है वो डायरेक्टली आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं वहाँ पे वापस डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली इनवॉइस ऑन करके। तो चलिए देखते हैं वो इनवॉइस। ये रहा वो इनवॉइस कॉपी, ये इनवॉइस कॉपी आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सप्लायर का डिटेल, उनका एड्रेस, बायर यानी हमारी कंपनी का नाम एंड डिटेल, उनका इनवॉइस नंबर, ईवे बिल नंबर, डेट, और साथ साथ में हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया उसकी डिटेल विथ एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, डिलीवरी चार्जेस भी हमसे उन्होंने कलेक्ट किया है, दैट इज परचेज के ऊपर डिलीवरी चार्जेस। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखा था वो हमारा किस पे था, वो हमारा सेल्स पे हमने देखा, उसी तरह से आप यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस परचेज पे भी डेफिनेटली सप्लायर आपसे कलेक्ट करेंगे, तो आपका एक्सपेंसेस कैसे बुक करना वो भी देख लेंगे साथ साथ में, एंड आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, और यहाँ पर आ जाता है डिटेल दैट इज एचएसएन एंड सैक वाइज जीएसटी एनालिसिस। तो ये परचेज की एंट्री हम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो दिखाता हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सामने वाली पार्टी ने दैट इज विजय सेल्स ने ये जो प्रोडक्ट सेल किया, ये तो उनके लिए क्या हो गया, एज अ गुड्स हो गया, बिकॉज वो उसका ही डील करते हैं, वो उनके लिए असेट नहीं है। बट ये जब हम परचेज करेंगे ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए असेट्स है, तो ये हमारे लिए स्टॉक नहीं है। जब ये चीज़ हमारे लिए स्टॉक नहीं है तो इस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम, ये तो हमारे फिक्स असेट में जाना चाहिए ना कि क्लोजिंग स्टॉक में। तो परचेज ऑफ फिक्स असेट की एंट्री आप टैली प्राइम में दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं दोनों तरह से कैसे एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो आपको मैं समझाऊंगा, और दोनों में डिफरेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है दोनों का वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक सिंपल, एक जो कॉमन सब लोग यूज करते हैं जिस तरह से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो चीज़ मैं पहले आपको दिखाता हूँ,
एंड देन आफ्टर मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो एक्चुअल में आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए, जो बेस्ट मेथड क्या कहता है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। टैली प्राइम में चलते हैं, परचेज करना है, डेट आपकी एंट्री का डेट है 1st of May, परचेज की एंट्री, परचेज पे क्लिक किया हमने, यहां पर हमें डेट सेलेक्ट करना है 1st of May, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, सप्लायर का इनवॉइस नंबर ये रहा, सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंड डेट आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है 1st May, पार्टी नेम इज विजय सेल्स। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऑल्ट सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली लेजर क्रिएट कर सकता हूँ, विजय सेल्स डेटर्स, माफ कीजिएगा क्रिएटर्स, उनका एड्रेस बिल में दिया रहेगा, एड्रेस आपको मेंशन करना, मैं एड्रेस यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जीएसटी नंबर, यहाँ पे जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आप यहाँ पे रॉन्ग, अगर रॉन्ग एंटर करोगे तो टैली पॉपअप मैसेज देगा कि ये जीएसटी नंबर रॉन्ग है, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम तो आप परचेज नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आप स्टॉक आइटम परचेज नहीं करो तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नहीं आना चाहिए, आप इसको मोड चेंज करोगे। ये पहला मेथड है जो नॉर्मली यूज करते हैं लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं इसको मोड चेंज कर देता हूँ एज अ अकाउंट इनवॉइस मोड, यानी अकाउंट इनवॉइस मोड पे आ जाता हूँ मैं, ये हो गया आपका, यहाँ पे लेजर आएगा आपका फिक्स्ड एसेट का। यहाँ पे देखिए आपके दो तरह के एसेट आपने परचेज किए, एक तो कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप कंप्यूटर बोलेंगे इसे, और तोशिबा टीवी है तो इसे आप कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट बोल सकते हो, यानी कि अगर आप चाहो तो दोनों मटेरियल यानी कि दोनों असेट्स को आप एक कॉमन लेजर बना सकते हो, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स में आप इसको स्टोर कर सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस मेथड में प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स का मतलब ये हो गया कि आप चाहे लैपटॉप हो, चाहे उसके रिलेटेड प्रिंटर हो, चाहे टीवी हो, वो सारे के सारी चीजें आप इसी लेजर में यानी कि इसी फिक्स्ड असेट में आप स्टोर करोगे। यहाँ पे इसका ग्रुप ले लिया आपने फिक्स्ड असेट, यहाँ पर बात आता है जीएसटी डिटेल, यस करना है अपने को, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है कि हमने दो स्टॉक आइटम परचेज किए हैं, दो स्टॉक आइटम दोनों का एचएसएन अलग अलग है, तो क्या हमें दो फिक्स्ड एसेट बनाने चाहिए, एक कंप्यूटर के लिए अलग, टेलीविजन के लिए अलग? आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन अगर मान लो कंप्यूटर अलग है, कंप्यूटर के साथ साथ में आपने उसका कुछ इक्विपमेंट परचेज किया है, मान लो कीबोर्ड अलग से परचेज किया है, आपने माउस अलग परचेज किया है तो वो आपका कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स, तो क्या उसका भी आप अलग फिक्स एसेट बनाओगे, कीबोर्ड का कीबोर्ड फिक्स एसेट, माउस फिक्स एसेट, या फिर रैम फिक्स एसेट? नहीं, आप इतने लेजर फिक्स एसेट के नहीं बना सकते, बिकॉज हर एक का क्या है, हर एक का एचएसएन कोड अलग अलग होगा और हर एक का जीएसटी भी अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे देखो जो पहला प्रोडक्ट है 52441 यानी कि लैपटॉप, इस पे आपका 18% जीएसटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे स्टॉक में भी आपका जो प्रोडक्ट है उसका भी जीएसटी रेट सेम हो, तो यहाँ पे एक रेट तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चलो एचएसएन मैंने इग्नोर किया, अगर एचएसएन में इग्नोर करता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं परचेज कर रहा हूँ चाहे वो गुड्स है या फिर मेरा असेट, उसका मुझे एचएसएन डिटेल नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नो किया मैंने, इसको टैक्सेबल इवेंट डिफाइन कर दिया। रेट अगर अलग अलग रहा, अब यहाँ पे देखो ये रेट आपका 9% 9% 18% है, अगर दूसरा स्टॉक आइटम मान लो कोई प्रिंटर होता और प्रिंटर का रेट 12% होता, तो यहाँ पे रेट क्या डिफाइन करते आप, बिकॉज वो भी तो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में आता, तो आप यहाँ पे ऐसे कोई भी एक कॉमन रेट डिफाइन कर दो 18% का। गुड्स गुड्स सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका वैल्यू, देखो यहाँ पे दोनों का रेट आपका सेम है, 9 और 9 18% ही है, तो यहाँ पे आपको 155,000 प्लस 58,000 टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2,13,000, 2,13,000 आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आपका ये परचेज टैक्सेबल आ गया, रेट आ गया 18%, दोनों का रेट सेम है, तो
तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर साथ में आता है आपका डिलीवरी चार्जेस, यहाँ पे आपको जो एज अ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आपने लेजर बनाया है वो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपका अमाउंट है 12,000, 12,000 यहाँ पे एंटर कर दिया। आउटपुट यहाँ पे इनपुट CGST आएगा, माफ़ कीजिएगा, इनपुट CGST क्रिएट कर लेता हूँ मैं, बिकॉज ये मेरा परचेज है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स आ गया यहाँ पे अमाउंट, टैक्स का ऑटो कैलकुलेट होके इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये हो गया आपका स्टेट टैक्स। ये नॉर्मल मेथड है जो सब लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस मेथड में हमने क्या किया, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाया और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और एंट्री रिकॉर्ड कर दी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ इस एंट्री में, इस एंट्री में अकाउंटिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉब्लम यहाँ पे एक पैसे का भी नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लायंसेस का है। कंप्लायंसेस का यहाँ पर ये है कि क्या आपने इसका HSN डिफाइन किया नहीं, क्या आप इससे HSN पता कर सकते हो कि मेरे रिपोर्ट्स में कितना HSN क्वांटिटी का मेरा इनवर्ड आया, क्या आप यहाँ पे क्वांटिटी पता कर सकते हो कि कितना लैपटॉप आया मेरे पास, बिकॉज यहाँ पे आपने कहीं पे क्वांटिटी डिफाइन किया आपने नहीं, आपने कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं की। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि आपने एंट्री तो रिकॉर्ड कर ली, ये एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ मैं सेव करके, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको मैं। ये एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद 213,000 आपके बैलेंस शीट फिक्स असेट में ये चला जाता है। फिक्स असेट साइड में अगर आप जाके देखोगे तो डेफिनेटली 213,000 यहाँ पर आ चुका है, आ गया। लेकिन अगर कल को आपसे कोई सवाल कर लेता है कि सर आप मुझे बताओ कि आपके पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितने कंप्यूटर पड़े हैं आपके पास, यानी कंप्यूटर तो है आपके पास लेकिन कंप्यूटर में कितनी क्वांटिटी है आपके पास, कोई आपके पास आंसर है नहीं है। रिपोर्ट्स में आ गया सब चीज़ आगे। फिर अगर GST ऑडिट में ये सवाल निकल के आता है, सर बताओ मुझे कि इसके HSN कोड क्या थे जो आपने परचेज किया, उसका HSN कोड क्या, इनवर्ट सप्लाई। हालांकि आज के दिन इनवर्ट सप्लाई पे HSN कोड आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट को, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में HSN कोड भी डिटेल डिफाइन करनी पड़ जाए। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री इज करेक्ट, बट इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी, इस एंट्री को मैं एज इट इज रखता हूँ। दूसरे मेथड से मैं एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा मेथड जो नॉर्मली मैं सबको प्रीफर करता हूँ और सबसे बेस्ट मेथड वही है, और हम जिसको बताते हैं और डेफिनेटली उनको मालूम पड़ता है तो वो बोलते हैं कि यस अगर ये मेथड है तो हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि पुराना मेथड फॉलो नहीं करेंगे और जो करेक्ट मेथड है वही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो मेथड कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी एंट्री को मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पुरानी एंट्री मैंने डिलीट नहीं की है, पुरानी एंट्री एज इट इज रहेगा, तो आपका फिक्स असेट की वैल्यू डबल हो जाएगी। इनवॉइस नंबर, यहाँ पे मैं इसको इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेता हूँ, इनवॉइस पार्टी इज विजय सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस बार मैं इसको एज अ आइटम परचेज करूंगा, तो यहाँ पे मैं मोड चेंज करता हूँ, इसको मैं एज अ आइटम परचेज करने वाला हूँ और F12 में कॉमन लेजर को ऑप्शन को यस कर देता हूँ मैं, जो हमने डिसेबल किया था इसके प्रीवियस वीडियो में, सेलेक्ट कॉमन लेजर यस। अब यहाँ पे जो मेरा लेजर होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट का, जो मैंने फिक्स असेट लेजर बनाया है। क्या वो लेजर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, उसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर जाते हैं यहाँ से, जो लेजर आपने क्रिएट किया उसको ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर लेजर कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स। यहां पर एक ऑप्शन आता है इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड एज यस, वो ऑप्शन को हमें यस करना हो। अगर आप टैली ERP 9 आपने यूज किया है तो आपको इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड ऑप्शन का फीचर यहीं पर आपको दिख जाएगा, इसके नीचे ही, ग्रुप के नीचे ही दिख जाएगा। बट जैसा कि ये टैली प्राइम में है तो टैली प्राइम में यहाँ पर ऑप्शन मोर डिटेल में मिलेगा आपको, मोर डिटेल में यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगा इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड एज यस, आपको इसे यस कर देना है। इसे हमने क्या कर दिया, यस कर दिया, और इसको हम क्या कर लेंगे, अब इसको सेव कर लेंगे। और साथ साथ में यहाँ पे हमने जो GST डिटेल डिफाइन किया था, हमें यहाँ पे कुछ भी डिटेल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा मेथड की बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डिटेल निकाल देता हूँ,
यानी कि एक तो चीज हमने यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू फैक्टर यस किया, दूसरा यहाँ पे हमें जीएसटी रेट एचएसएन कोड कुछ भी डिफाइल नहीं करना है, और इस लेजर को क्या किया हमने सेव किया, फर्स्ट मेथड में देख लिया, सेकंड मेथड में हम लोग हैं। अब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, डेट विजय सेल्स। नाउ अब यहाँ पे लेजर यहाँ पे दिखना चाहिए, सी आ गया यहाँ पे कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, हालांकि ये परचेस लेजर यहाँ पे नहीं आया, ये कंप्यूटर इक्विपमेंट है, बिकॉज अब आप देखो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, इसका फिक्स सेट है, लेकिन वहां पर आ रहा है इसका मतलब, बिकॉज हमने क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन को हमने कॉन्फिगर किया। फिर ये ऑप्शन आता है टैक्स क्लासिफिकेशन, टैक्स क्लासिफिकेशन में हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। अब आपने जो ये परचेज किया है स्टॉक आइटम, इसको हम एज ए स्टॉक आइटम के तौर पे क्रिएट करते हैं। तो कई लोग सवाल कर सकते हैं कि एज ए स्टॉक आइटम मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए स्टॉक के तौर पे खड़ा रहेगा। तो मैं आप जब स्टॉक आइटम यानी कि फिक्स असेट को स्टॉक आइटम के तौर पे क्रिएट करते हैं तो सेटिंग में क्या ध्यान रखना होता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जीएसटी अप्लीकेबल यस, इसका एचएसएन कोड हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जो प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है अब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो इससे क्या हो गया, आपका एचएसएन कोड डिटेल भी मिल जाएगा, प्लस आपको क्वांटिटी डिटेल भी मिल जाएगा, इसका 18% जीएसटी गुड्स। और यहाँ पर ऑप्शन, एक और ऑप्शन यस करना होगा, F12 कॉन्फिग्रेशन। सो कॉन्फिग्रेशन में हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे शो मोर कॉन्फिग्रेशन, शो ऑल कॉन्फिग्रेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यूज कॉस्टिंग मेथड, यहाँ पे ऑप्शन आपने को सेलेक्ट करना है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर देंगे। सारे ऑप्शन जो अदर ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको हम किसी और कोर्स में कवर कर रहे हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सी अब यहाँ पर आ जाता है इसका कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग मेथड हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमेशा एट जीरो कॉस्ट, इसका कॉस्टिंग हमेशा जीरो कॉस्ट सेलेक्ट करना है अपने को, और एट इसका मार्केट वैल्यूएशन भी एट जीरो प्राइस लेना है। ये उस केस में लेना है जहां पे आप असेट्स को एज ए स्टॉक आइटम के तौर पे क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने कर दिया सेव। क्वांटिटी डिटेल है आपकी 5 क्वांटिटी एज पर इनवॉइस, और 31,000 का रेट है, 31,000। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसी तरह से आपको दूसरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना है, दैट इज तोशिबा टेलीविजन। और खास बात एक चीज और भी, आप ऐसे कैटेगरी यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी आप इसका सेट कर सकते हो एज अ फिक्स असेट, एज अ कैटेगरी आप डिफाइन कर दोगे, इससे क्या हो जाएगा स्टॉक आइटम इसका कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। तो सिर्फ स्टॉक आइटम, यहाँ पे स्टॉक डिटेल दैट इज गुड्स गुड्स, यहाँ पे इसका टैक्सेबल, और इसका रेट अपने को डिफाइन कर देना है लेट से 18%। क्वांटिटी डिटेल यहाँ पे इसका डिसेबल, हमने डिसेबल कर दिया, F12 में इसका क्वांटिटी डिटेल यस कर देते हैं, इसका क्वांटिटी डिटेल हमने गलती से इसे नो कर दिया था, इसे यस कर देते हैं। तो इससे यहाँ पे इसका यूनिट तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यूनिट अगर सेलेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसका हम ना कॉस्टिंग मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं ना इसका जीएसटी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्टिंग मेथड एट जीरो कॉस्ट एट जीरो प्राइस, बिकॉज ये अपना एसेट ग्रुप में है, यहाँ पे इसका गुड्स, इसका डिटेल गुड्स, और इसका साथ साथ में एचएसएन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, एचएसएन कोड यहाँ पे एंटर कर दिया हमने, और टैक्सेबल रेट 18% यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सो यानी कि यहाँ पे इसको एज ए स्टॉक क्रिएट करते वक्त आप इसको एज ए ग्रुप, सेपरेट ग्रुप दे सकते हो, सेपरेट कैटेगरी दे सकते हो, सो दैट ये नॉर्मल स्टॉक आइटम के साथ आपका जो असेट है वो मिक्स नहीं होगा। क्वांटिटी कितनी है इसकी, इसकी क्वांटिटी है एक, प्राइस है 58,000, 1 क्वांटिटी 58,000। आपने इसके पहले का जो स्टॉक आइटम बनाया था उसको भी मैं एज ए ग्रुप में डाल देता हूँ, कैटेगरी में जो हमने क्रिएट किया है एसेट्स, बाकी डिटेल तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है।
तो अब देखो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी आपने एंटर कर दिया है, उसका रेट भी एंटर कर दिया है। तो ऐसे केस में कल को अगर आपसे कोई भी पूछता है कि क्वांटिटी कितनी है लैपटॉप की, तो आपके पास अवेलेबल होगा, ओके मेरे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट के अंदर ये सारे के सारे असेट है। तो आपने यहाँ पे जो इसको और भी इलेबरेट करना चाहते हो कि असेट्स तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई, लेकिन मुझे देखना है कंप्यूटर मेरे पास कितने हैं, तो कंप्यूटर का आप कैटेगरी अलग बना सकते हो, कंप्यूटर एज एन असेट्स। आप साथ साथ में जैसे आपने इसका बना दिया कंप्यूटर का कैटेगरी, और आप चाहते हो कि टीवी का सेट मैं अलग रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप टीवी सेट अलग कर सकते हो, ये भी आपका अंडर किसके हो जाएगा, असेट्स के अंडर कैटेगरी। तो ये आपको एक तरह की डिटेल मिल जाएगी पूरा का पूरा कि मेरे पास असेट्स तो है, लेकिन असेट्स में कौन कौन से असेट्स है और कितने क्वांटिटी में है, वो भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पर आता है आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो उन्होंने चार्ज किया इनवॉइस पे 12,000 रुपीज, और यहाँ पर आ गया आपका आउटपुट, माफ कीजिएगा इनपुट CGST, और यहाँ पे इनपुट SGST। सी पूरा का पूरा इनवॉइस डिट्टो वही है जो आपने यहाँ पे इनवॉइस में देखा, वही सेम टू सेम हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। टैक्स अमाउंट हमारा टोटल कैलकुलेट हो चुका है, दैट इज आपका CGST 14,290,250 आपका CGST है, 20250, 20250 ऑटो कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो अब इस एंट्री को मैं सेव करता हूँ, ईवेल वीविल डिटेल को हम इग्नोर करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अब आप देखोगे तो आपके स्टॉक डबल हो चुके रहेंगे। देखो बैलेंस शीट में चलते हैं, असेट में आपका असेट देखो डबल हो चुका है, यहाँ पे दो एंट्री आ गई। देखिए मैं आपको दोनों एंट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे आप दो एंट्री देख सकते हो, एंट्री वन एंट्री टू। एंट्री वन में हमने विदाउट स्टॉक आइटम के एंट्री रिकॉर्ड किया, हमारा असेट्स तो हिट हो गया, लेकिन ना हम क्वांटिटी डिटेल दे पाए, ना ही हम HSN कोड डिफाइन कर पाए, कोई भी डिटेल डिफाइन नहीं कर पाए। लेकिन दूसरे वाले में हमने प्रॉपर तरीके से एंट्री रिकॉर्ड किया है। तो अब ऐसे केस में अब चलिए स्टॉक में दिखाता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या आ गया रहेगा। सी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में वो नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है करंट असेट में आओगे, क्लोजिंग स्टॉक में कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, वैल्यू आपको टोटल जीरो दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास HP लैपटॉप आपके पास 5 पड़ा हुआ है, टेलीविजन सेट पड़ा हुआ है आपके पास। तो ये आपके असेट्स से जो क्वांटिटी में इसका क्वांटिटी दिखेगा, लेकिन आपको इसका एज ए रेट या फिर वैल्यू नहीं दिखेगा। आप इसको कैटेगरी वाइज देखना चाहो तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक आइटम कैटेगरी वाइज, या फिर स्टॉक आइटम ग्रुप वाइज भी देखना चाहो तो ग्रुप वाइज। आपने कैटेगरी बनाया है इसका, उसी तरह से आप चाहो तो ग्रुप बना सकते हो, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक स्टॉक आइटम कैटेगरी स्टॉक कैटेगरी समरी। स्टॉक कैटेगरी समरी में आप देखना चाहते हो आपके पास असेट्स कितने हैं, तो असेट्स में कंप्यूटर आपके पास 5 है, टीवी सेट्स आपके पास 1 है। और डिटेल देखना चाहोगे कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आपके पास है, तो यहाँ पे डिटेल कर सकते हो, ओके कंप्यूटर में आपके पास 5 HP लैपटॉप है आपके पास, टीवी सेट में आपके पास तोशिबा टीवी है 1 क्वांटिटी। इसका रेट नहीं दिखाई देगा, रेट देखने के लिए आपको अंदर जाके उस एंट्री को पर्टिकुलरली ओपन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि वो जो 1 क्वांटिटी आई थी मई में 58,000 की, इसका वैल्यू यहाँ पे जीरो है, बिकॉज इसका कॉस्टिंग मेथड हमने क्या डिफाइन किया था, कॉस्टिंग मेथड हमने इसका जीरो डिफाइन किया था। अगर हमने इसका कॉस्टिंग मेथड जीरो डिफाइन नहीं किया होता तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखता, और क्लोजिंग बैलेंस दिखता तो क्या होता है, इसका इस एंट्री का इफेक्ट हमारा एक तो फिक्स्ड असेट में जाता ही जाता, प्लस करंट असेट में इसका डबल इफेक्ट आ जाता। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट का कैटेगरी सेट किया, या आप चाहो तो ग्रुप सेट कर सकते हो, और साथ साथ में इसका हमने कॉस्टिंग मेथड क्या सेट कर दिया, एट जीरो कॉस्टिंग सेट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, आपकी क्वांटिटी डिटेल भी सेट हो गई, आपका HSN कोड भी सेट हो गया, और आपकी एंट्री भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो गई। कल को आपसे कोई क्वांटिटी डिटेल मांगता है कि कितने क्वांटिटी का सेट है भाई, तो आप यहाँ से रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करके सिंगल क्लिक पे दे सकते हो, और साथ साथ में ये भी तो पता कर सकते हो कि कंप्यूटर है बट कौन सा कंप्यूटर है, HP का है, Toshiba का है, Lenovo का है, Apple का है, तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज मिल जाएगी, बिकॉज आइटम डिटेल तो ऑब्वियस बात है सप्लायर ने डिटेल यहाँ पे मेंशन किया, वही डिटेल आप यहाँ पे आके देख सकते हो। तो पहली जो एंट्री मेथड रिकॉर्ड की थी, क्या उसमें आपको आइटम का नाम मिल रहा था, नहीं मिला था, आपको एक सिंपल मिला था कंप्यूटर एंड असेट्स, नो कैटेगरी नो क्वांटिटी नो HSN कुछ भी डिटेल अवेलेबल नहीं था। हालांकि वो एंट्री भी अकाउंटिंग एंट्री राइट थी, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस मेथड है वो ये मेथड है, सेकंड मेथड, जहां पे हम एंट्री को उस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट कि GST में फिक्स असेट की एंट्री रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर मेथड
एंड कॉमन मेथड यूज बाय अदर। यही चीजें हम यहाँ पे इस पूरे कोर्स में आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंस क्या, उसका करेक्ट वे क्या है एंट्री रिकॉर्ड करने का। थैंक यू।